फ्यूल ऑयल सिस्टम फॉर HHP लोकोमोटिव्स। पर्पस ऑफ फ्यूल ऑयल सिस्टम इन HHP लोकोमोटिव। द फ्यूल ऑयल सिस्टम ऑफ HHP लोकोमोटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाइंग फ्यूल टू द डीजल इंजिन इन द करेक्ट क्वांटिटी एट द राइट टाइम अकॉर्डिंग टू इंजिन रिक्वायरमेंट। इन दिस सिस्टम द फ्यूल ऑयल ऑल्सो प्ले ए वाइटल रोल एंड इट कूल्स एंड लुब्रिकेट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द यूनिट इंजेक्टर। सो इट इज टू बी केप्ट इन माइंड दैट इंटरनल पार्ट ऑफ मैकेनिकल यूनिट इंजेक्टर इन WTG4 और WTP4 लोकोमोटिव्स आर कूल्ड बाय एक्सेसिव फ्यूल ऑयल। मेजर कंपोनेंट ऑफ फ्यूल ऑयल सिस्टम। फ्यूल ऑयल सिस्टम ऑफ HHP लोकोमोटिव कंसिस्ट ऑफ फ्यूल टैंक, फ्यूल सक्शन स्ट्रेनर, फ्यूल बूस्टर पंप, प्राइमरी फ्यूल ऑयल फिल्टर, इंजिन माउंटेड फ्यूल ऑयल फिल्टर और सेकेंडरी फ्यूल ऑयल फिल्टर, फ्यूल सप्लाई रिटर्न मैनिफोल्ड एंड मैकेनिकल यूनिट इंजेक्टर्स। सो लेट अस डिस्कस ब्रीफली ऑन दिस मेजर कंपोनेंट्स वन बाय वन इन डिफरेंट स्लाइड्स। फ्यूल टैंक ऑफ HHP लोकोमोटिव। इन HHP लोकोमोटिव द फ्यूल टैंक इज डिटैचेबल एंड अटैच्ड टू लोको अंडर फ्रेम। देर आर सो मेनी वेराइटी ऑफ HHP और GM लोकोमोटिव एंड इच हैविंग डिफरेंट फ्यूल टैंक कैपेसिटी लाइक WTG4 एंड WTG4D हैविंग 6000 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी वाइल पैसेंजर लोकोमोटिव WTP4B एंड WTP4D हैविंग 5000 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी। फ्यूल सक्शन स्ट्रेनर। सक्शन स्ट्रेनर इज कनेक्टेड इन द सिस्टम बिफोर फ्यूल बूस्टर पंप एंड बिटवीन फ्यूल टैंक एंड फ्यूल बूस्टर पंप। दिस फिल्टर फिल्टर्स द फ्यूल ऑयल एंड प्रोटेक्ट्स द पंप अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम फॉरेन मटेरियल। इट इज यूजुअली क्लीन्ड इन मंथली शेड्यूल एंड रिन्यूड आफ्टर 180 डेज। रबर ओ रिंग इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड नॉर्मली इट इज टू बी रिप्लेस्ड वाइल रिप्लेसिंग द स्ट्रेनर एलिमेंट आफ्टर 180 डेज। फ्यूल बूस्टर पंप। फ्यूल बूस्टर पंप ऑफ HHP लोकोमोटिव इज अ गियर टाइप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड ड्रिवन बाय ए इलेक्ट्रिकल AC मोटर। AC मोटर गेट्स पावर फ्रॉम लोको बैटरी ड्यूरिंग सिस्टम प्राइमिंग एंड आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ इंजिन इट गेट्स पावर फ्रॉम द ऑक्सिलरी जनरेटर। द डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ पंप इज 24.6 लीटर पर मिनट एंड इट इज लोकेटेड नियर फ्रंट एंड ऑफ द मेन इंजिन ऑन राइट साइड। फ्यूल बूस्टर पंप रीलोकेटेड। थ्रू दिस स्लाइड आई वॉन्ट टू से दैट इन मोस्ट ऑफ HHP लोकोमोटिव द फ्यूल बूस्टर पंप इज शिफ्टेड टू अंडर गियर इन बिटवीन फ्यूल टैंक एंड बॉगीज। इट हैज बीन डन बाय DLW अंडर मॉडिफिकेशन बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ इन्वर्टर ऑफ मोटर। फर्दर DLW क्लैरिफाइड दैट देयर वॉज ए इश्यू ऑफ नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ऑफ पंप विथ मोटर सो मॉडिफिकेशन हैज बीन मेड। प्राइमरी फ्यूल ऑयल फिल्टर। प्राइमरी फ्यूल ऑयल फिल्टर इज कनेक्टेड इन द सिस्टम बिटवीन फ्यूल बूस्टर पंप एंड सेकेंडरी फिल्टर। इट इज माउंटेड ऑन एसेसरीज रैक। इट कंसिस्ट ऑफ टू पेपर टाइप फिल्टर असेंबली एंड रिन्यूड आफ्टर एवरी 90 डेज और ऑन कंडीशन बेसिस। प्राइमरी फ्यूल ऑयल फिल्टर इज इक्विप्ड विथ बाईपास वाल्व एंड गेज सेट एट 30 PSI डिफरेंशियल प्रेशर। एज द फिल्टर एलिमेंट बिकम्स प्लग्ड द इंडिकेटर विल शो रेड जोन। एट दिस पॉइंट द बाईपास वाल्व विल बिगिन टू ओपन एंड अलाउइंग द फ्यूल टू बाईपास द प्राइमरी फिल्टर। प्राइमरी फ्यूल फिल्टर गेज। इन दिस स्लाइड द गेज फिटेड ऑन केसिंग ऑफ प्राइमरी फ्यूल फिल्टर इज शोन। इट इंडिकेट्स द कंडीशन ऑफ प्राइमरी फ्यूल फिल्टर सेल। सेकेंडरी फ्यूल ऑयल फिल्टर असेंबली इज माउंटेड ऑन फ्रंट राइट कॉर्नर ऑफ द मेन इंजिन। दिस फिल्टर असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू फिल्टर एलिमेंट्स। इट इज इक्विप्ड विथ
two sight glasses and two relief valves fitted inside the sight glasses. To understand about the sight glasses, let us move to next slide. In this slide, let us discuss on sight glass number one and on its role. Sight glass number one is also called as return fuel sight glass, and it is closest to engine body. The excess fuel oil that has not been injected inside the combustion chamber get collected in sight glass number one and return to fuel tank for recirculation. In normal running condition of the engine, sight glass number one or return fuel sight glass will be full of clean and clear fuel oil without bubble. If air bubble in return fuel sight glass is seen at higher notch and full load, it indicates that insufficient fuel is supplied to unit injector. In this slide, let us understand the role of sight glass number two. Sight glass number two is also known as bypass sight glass, and it is mounted on fuel oil filter assembly beside the sight glass number one, as it may be seen in the slide also. In normal running condition of the engine, the bypass sight glass will be empty. If fuel oil has been seen in the sight glass, it indicates that the secondary filter element is clogged. These conditions may become serious and cause the engine to shut down from lack of fuel oil. Mechanical unit injector is one of the most important components of HHP fuel oil system. It is located and seated in tapered hole in the center of each cylinder heads. The main function of unit injector is to meter the quantity of fuel oil with the help of governor and injects the fuel oil into the cylinder during each stroke. The overoiling of this component is done in three early schedule. Fuel oil system of HHP locomotive. The major component involved in fuel oil system of HHP locomotives are already discussed in previous slides. Now let us understand the complete layout of fuel oil system. Fuel oil is drawn from fuel tank through a fuel suction strainer by a motor driven fuel booster pump. Now fuel booster pump discharges the fuel oil which flow through primary fuel filter, engine mounted filter, and then enter to fuel manifold extended along both banks of the main engine. This manifold supplies fuel to all 16 injectors, 8 on left bank and 8 on right bank of the main engine. As we have already discussed in previous slides, that the fuel booster pump delivers more fuel oil to the injector than is injected into the cylinders. Therefore, the excess fuel cools the lubricates the internal part of unit injectors and returns to return fuel sight glass and back to fuel tank. A relief valve at the inlet to the return sight glass it stabilizes a fuel back pressures, thus maintaining a positive supply of fuel for the injectors. In special cases, if engine mounted fuel filter elements become plugged, fuel flow to the injector is limited. A relief valve fitted in bypass sight glass and set at 60 psi will open to divert fuel oil to fuel tank. This slide shows a clear picture of fuel oil flows in normal working condition of engine. The blue color indicates the flow of fuel oil in normal running condition of the engine.
The yellow color indicates the excess fuel oil returning from injectors and getting collected in return fuel site glass. The fuel oil releasing from return fuel site glass to fuel tank has been shown in light pink color. In this slide, it can be easily understand the direction of flow of fuel oil in the system when primary fuel oil filter is choked. The causes of low fuel oil pressure in the system are mentioned here in this slide, which can be easily understand. First is inadequate fuel quantity in the fuel tank. Second is struck pressure relief valve. This is basically related to sight glass number 1 or return fuel sight glass. Third is fuel filter choked. Fuel filter means the primary fuel oil filter or secondary fuel oil filter, anyone. Fourth is suction line leak or restriction. It is very clear here, suction line. Fifth is injector with tip leakage. If mechanical unit injector or unit injector is leaking, so this may be the reason of low fuel oil pressure also. Sixth is fuel pump malfunctioning. If due to any reason, if fuel booster pump is not working properly, then it may be also a reason of low fuel oil pressure. Seventh and last is, that is the foreign material in the fuel tank. If foreign materials are in the fuel tank, in that case, the suction pipeline may get choked up. So that time also, we will get the low fuel oil pressure. For better performance of fuel oil system and for better health of engine, we have to drain the condensate water from fuel tank at the interval. Thanks to all of you for watching and listening of this video.